और क्या भाग के आया हूँ, मतलब आप मान नहीं सकते। 6:18 में मेरी नींद खुली और 6:45 पे मैं स्टेशन में बैठा हुआ हूँ, जो कि 10 मिनट से 15 मिनट की वॉक पर था। पर मुझे ये वाली बात समझ नहीं आ रही, जब पूरी ट्रेन खाली थी तो इतनी महंगी टिकट क्यों भेज रहे हो लास्ट मोमेंट पर। ग्लासगो में सभी का स्वागत है। सफर में थोड़ा पेच आ चुका है और काफी खूबसूरत छोटे छोटे स्मॉल टाउन्स आ रहे हैं सुंदर सुंदर स्कॉटलैंड के। मैं दिखाता हूँ आपको बर्फीले पहाड़, खुली खुली वादियाँ, बड़े बड़े पेड़, खूबसूरत नजारा। तो स्कॉटिश हाईलैंड्स के एक छोटे से टाउन में जिसका नाम है फोर्ट विलियम, उसमें आप सभी का स्वागत है। तो बस के कोई आते पते नहीं, ऊबर भी बुक हो नहीं रही है। बता तो रहा है कि ऊबर सर्विस है पर आ ही नहीं रही है, है ही नहीं, मतलब कोई। पैदल ही वॉक कर रहा हूँ फिलहाल तो जहाँ तक पहुँचते हैं। अब ये रोड पे ट्रैफिक नहीं है तो कोई भी गाड़ी आएगी तो उसको हाथ दूंगा, पर अब हिच करना ही ओनली ऑप्शन बचा हुआ है। अब यहाँ से गाड़ी आएगी तो यहाँ रुक भी सकती है, एक बार कोशिश करूंगा, रोकता हूँ 5 मिनट कोशिश करके। यहीं पर खड़ा हूँ, बैग वगैरह मैंने रख दी यहाँ पर, और एक गाड़ी आ रही है, देखते हैं रुकती है कि नहीं। थैंक यू। हाँ सर, मैं लंदन में पढ़ता हूँ। अभी तो हॉलिडे है। अच्छा, घूमने ही आया हूँ यहाँ पे। और यूँ कहाँ से हो? हैदराबाद से हो। तो मुझे अभी हैदराबाद के भैया मिल गए और उन्होंने मुझे लिफ्ट दे दी ऊपर वाले के फरिश्ते के रूप में। मैं आधे घंटे से वॉक कर रहा हूँ, कोई तो आएगा, कोई तो आएगा, कोई रुके ही नहीं ब्रिटिश तो। और ये पीछे जो पहाड़ दिख रहा है आपको, ये है बेन नेविस, यूके का सबसे हाईएस्ट माउंटेन। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम एडिनबर्ग। और क्या भाग के आया हूँ, मतलब आप मान नहीं सकते। 6:18 में मेरी नींद खुली और 6:45 पे मैं स्टेशन में बैठा हुआ हूँ, जो कि 10 मिनट से 15 मिनट की वॉक पर था। क्या भागा हूँ, प्लेटफॉर्म वेटफॉर्म कितनी जल्दी ढूंढने में। पहली बार ट्रेन ले रहा हूँ यूके में, इतना एक्सपीरियंस था तो मैंने पकड़ ली, वरना आज से ट्रेन छूटती। और ट्रेन का टिकट लंबा पड़ता, £65 दिए मैंने सिर्फ 5-6 घंटे की जर्नी के। तो यहाँ जो भी जैसा भी है, बहुत खुश हूँ कि पैसे बच गए और मैंने ट्रेन बचा ली, क्योंकि यहाँ पर कीमत समझ आती है उस चीज़ की, इंडिया में छूट भी जाती है, इतना दर्द नहीं होता जितना यहाँ पर दर्द होता। तो जो भी है जैसा भी, बैठ गया हूँ, बहुत खुशी हो रही है। ट्रेन में अर्ली मॉर्निंग ट्रेन पकड़ ली है, रात को 1 बजे सोया था और सुबह 6:45 वाली ट्रेन में बैठ गया हूँ। तो आज हम जाने वाले हैं एडिनबर्ग से फोर्ट विलियम वाया ग्लासगो। तो ग्लासगो में एक ट्रेन बदलनी है, तो आपको बहुत ही खूबसूरत जर्नी दिखाने वाला हूँ इस स्कॉट रेलवे की, और कैसी क्या ट्रेन रहती है स्कॉटलैंड में, यूके में, वो मैं आपको एक्सपीरियंस देने वाला हूँ। तो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, ट्रैवल विद अनुज, एक और शानदार धमाकेदार और बेहतरीन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फिलहाल ये देखो ट्रेन का हाल, पूरी खाली है, जल्दी जल्दी जल्दी। और ये था स्टेशन, पूरी खाली। यार मज़ा आ जाए ऐसी खाली मिल जाए तो। मैं पैकिंग वैकिंग सही कर लूँगा मेरे बैग की अभी। मेरे हिसाब से अर्ली मॉर्निंग ट्रेन इसलिए खाली है, पर मुझे ये वाली बात समझ नहीं आ रही, जब पूरी ट्रेन खाली थी तो इतनी महंगी टिकट क्यों भेज रहे हो लास्ट मोमेंट पे। मतलब यही टिकट £20 की भी मिलती है लोगों को, पहले ही कर लो तो। ये भी मतलब इन्होंने ट्रेन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये सब भी बहुत फ्री मार्केट पर रख रखा है और इनकम के हिसाब से रख रखा है, ना कि सेवा के हिसाब से। मतलब £60 दिए मैंने इस छोटी सी ट्रेन के। तो मेरी इस जर्नी की बात करो तो एडिनबर्ग से जाऊंगा ग्लासगो, जो कि 1 घंटा लगेगा, फिर वहाँ से आधे घंटे का ब्रेक है और वहाँ से जाऊंगा फोर्ट विलियम, जिसमें लगेंगे 4 घंटे। और फोर्ट विलियम की बात करो तो स्कॉटलैंड की हाईलैंड्स में आता, मतलब पहाड़ वाला जो एरिया है। यहाँ पर लो लैंड है और हाईलैंड, हाईलैंड मतलब पहाड़ वाला जो एरिया है, वहाँ पर जा रहा हूँ आज मैं। तो बहुत ही खूबसूरत जगह, वहाँ पर पूरे यूके का सबसे हाईएस्ट माउंटेन भी है, तो वही सब देखने जा रहा हूँ मैं। ऐसी कुछ ट्रेन है, पूरी खाली है, एक बंदा बैठा है पीछे, टॉयलेट वगैरह भी होंगे ही कहीं ना कहीं, देख जाऊँगा तो बता दूंगा आपको कैसे रहते हैं। फिलहाल तो ये रही ट्रेन। तो अभी टिकट चेक करने वाली आई थी और उसने मोबाइल ऐप पर मेरा टिकट, मतलब बारकोड है, बारकोड स्कैन करा और चली गई। तो करीबन अब 40 मिनट और बचे हैं ग्लासगो पहुंचने के लिए। तो ग्लासगो की बात करूँ तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वहाँ पर, और सेकेंड मोस्ट फेमस सिटी मान लो आप स्कॉटलैंड की, एडिनबर्ग और ग्लासगो, ये 2 मेजर सिटीज़ है स्कॉटलैंड में। एडिनबर्ग कैपिटल है, फिर वहाँ से है मेजर ट्रेन तो जो बहुत खूबसूरत होने वाली है, पहाड़ों में जाएगी जो। और मेरे हिसाब से वो टिकट भी शायद इसलिए महंगा होगा, ये वाली तो सस्ती होगा क्योंकि रोज़ आते जाते होंगे लोग ग्लासगो टू एडिनबर्ग, एडिनबर्ग बोलते हैं, एडिनबर्ग ही बोलूँगा मैं तो, वही चढ़ा हुआ है मुँह पे। और ग्लासगो से जो फोर्ट विलियम की होने वाली है वो बहुत सीनिक होने वाली है। तो मेन ट्रेन तो वही होने वाली है,
अभी तो देखो उजाला भी नहीं हुआ, पूरा काला काला है बाहर। फिलहाल बज रही है 7 बजे भी अंधेरा ही है, 8 बजे होगा उजाला, मतलब क्लास को जब पहुंच जाएंगे तब सनराइज होगा। तो क्लास्को में सभी का स्वागत है। सफ़र में थोड़ा पेंच आ चुका है। अब फोर्ट विलियम में जैसे बता रहा था कि पहाड़ों की जगह है, तो वाली ट्रेन कैंसिल हो गई क्योंकि वेदर बहुत ख़राब हो गया वहाँ पे। तो उन्होंने बस रिप्लेसमेंट दिया है, ऊपर जाना है यहाँ पर, और ऐसे कुछ ये स्ट्रीट आपको दिखेगी। चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरे को तो वो बोर्ड पर देख कर थोड़ा लगा था कि कैंसिल हो गई, भाई अब क्या करूँगा, क्योंकि आज मेरी हॉस्टल की बुकिंग है। पर ये अच्छी बात है कि यहाँ पर रिप्लेसमेंट दे दिया उन्होंने बस का, तो फटाफट बस में चलते हैं। जो ट्रेन से जर्नी होने वाली थी अब वो रोड ट्रिप बन चुकी है, तो चलते हैं। तो ये रही वो बस। तो बस के अंदर आ चुका हूँ और बस चलने वाली है 10-20 मिनट में, वही ट्रेन के टाइम पर चलेगी, और हो सकता है 5-6 मिनट डिले हो जाए। तो ये पीछे की विंडो सीट ले ली है मैंने, तो रोड के थ्रू आज आपको नज़ारा दिखाने वाले हैं स्कॉटलैंड की पहाड़ियों का, हाईलैंड्स का। अच्छा है चलो कुछ तो मिल गया, और मैं तो आज कुछ भी कंप्लेंट कर नहीं रहा हूँ ट्रैवल में, क्योंकि पहली बात तो ट्रेन पकड़ ली मैंने सुबह की, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और फिर वो कैंसिल भी हो गई तो ये बस मिल गई। ट्रेन का सफ़र करना चाहता था पर ठीक है, अब वापस आते वक्त देखेंगे ट्रेन का सफ़र। फ़िलहाल तो जल्दी चले ये बस, और ऐसे कुछ ये बस दिख रही होगी आपको, अच्छी है यहाँ की बस, अच्छी है, अच्छी मर्सिडीज बेंज की अच्छी बड़ी बड़ी बसेस रहती है, कंफर्टेबल रहती है। तो आपको यूके में बस भी लेनी पड़ रही है तो टेंशन मत लो, एक डिसेंट क्वालिटी की बस और अच्छी ही बस मिलेगी, और अच्छा सफ़र, रोड्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, तो कोई दिक्कत आती नहीं है। और मेरे को तो यूँ भी कोई दिक्कत आती नहीं बस वगैरह में, बस ही पसंद करता हूँ मैं। तो अभी तक ऐसा कुछ है, आगे का सफ़र के लिए बने रहो। तो ये आप देख सकते हो धीरे धीरे सनसेट हो रहा है यहाँ पर ग्लासगो में, 8 बज रही है, वही सनराइज़ का समय हो गया, और बस चल चुकी है, अच्छा चल रहा है। अभी सिटी का ही सफ़र है, मैं तो एक्साइटेड हूँ कब पहाड़ आएंगे और थोड़ा बर्फ़ वगैरह दिखेगी ऊपर। तो ये देख सकते हो आप लोग, कंप्लीट उजाला हो चुका है यहाँ पर, और काफ़ी खूबसूरत छोटे छोटे, मतलब गांव तो नहीं बोलूँगा मैं, गांव से थोड़ा बड़ा, मतलब स्मॉल टाउन्स आ रहे हैं सुंदर सुंदर स्कॉटलैंड के, पर बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही अलग कल्चर है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ अभी मैंने देखी है, जैसे कि मैंने बताया था कि मेरी ट्रेन कैंसिल हो गई क्योंकि मौसम ख़राब हो गया, तो उस मौसम ख़राब होने के तहत अभी जो वेदर का ऐप है वो बता रहा है कि कल स्नोफॉल है फोर्ट विलियम में, जहाँ पर मैं जा रहा हूँ। तो यार देखना है यार स्नोफॉल, तो मज़ा आ जाएगा। बहुत समय हो गया, मतलब लंदन में थोड़ी सी हुई थी पिछले महीने, मतलब उससे स्नोफॉल नहीं बोलूँगा मैं, थोड़ा अच्छा था स्नोफॉल देखने को मिल जाए स्कॉटलैंड में तो मज़ा आ जाएगा यार। अब ये जो दिख रहा है आपको पानी, ये नदी नहीं है, यहाँ पर इन्हें कहते हैं लॉक, तो है तो लेक ही है पर इसे लॉक बोलते हैं स्कॉटिश में, वही लेक लॉक वही है। और ऐसे यहाँ पर 36,000 है, 36,000 लॉक लेक्स हैं यहाँ पर, और वह आती रहती है बीच में, जैसे कोई सी लॉक है इसका कुछ नाम होगा, फिर लॉक नेस है, लॉक ग्रीन है, ऐसे बहुत सारे लॉक हैं जो कि दिखती रहती है स्कॉटलैंड में। और एक और अमेजिंग चीज़ बताता हूँ मैं, जब मतलब बहुत साल पहले जब नॉर्थ अमेरिका अलग हुआ था यूरोप से, मतलब ज़मीन टूटी थी, तो स्कॉटलैंड नॉर्थ अमेरिका से अलग होके यहाँ आ गया था यूके में, तो जिस कारण यहाँ की जो ज्योग्राफी है और वो सब है इस एरिया की, हाईलैंड की जहाँ मैं जा रहा हूँ, जो पहाड़ वाला एरिया है, वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है नॉर्थ अमेरिका से। ऐसा क्या रहता है, मतलब यहाँ पर पेड़ जानवर बहुत सिमिलर है नॉर्थ अमेरिका से, क्योंकि ये एक ही थे एक ज़माने में, जब मतलब इंसान होंगे भी नहीं उस ज़माने की बात है जब ये अलग अलग हुए थे। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात मेरे को पता थी, तो मैंने सोचा आपको बता दूँ। तो मेरी तो नींद लग गई थी, और जैसे ही उठा नींद से, तो आप देख सकते हो हाँ क्या हो गया है, मैं दिखाता हूँ आपको, बर्फीले पहाड़, खुली खुली वादियाँ, बड़े बड़े पेड़ और खूबसूरत नज़ारा दिखा।
बीच बीच में छोटे छोटे गांव आते रहते हैं और ये लेक वगैरह आती रहती है छोटी छोटी, फिर भेड़ बकरियां दिखती है खेतों में, तो काफ़ी खूबसूरत और प्लीजिंग सा सफ़र चल रहा है अभी। और आधे घंटे का और बचा होगा। आज तो वेदर आप देख सकते हो कितनी धूप निकल रही है, तो अच्छा लग रहा है। करीबन 3-4 घंटे बचे हैं उजाले के, जितना देख सकता हूँ देख लो मैं शहर, फिर रात को देखते हैं क्या करना है। और कल का पूरा दिन मेरे पास यहाँ पर ही है फोर्ट विलियम में, तो कल और अच्छे से एक्सप्लोर करूँगा मैं इस जगह को। तो आज भी आपको बहुत कुछ दिखाई दूंगा और अभी तो आधे घंटे का सफ़र और बचा है, तो बने रहो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत खूबसूरत हाईलैंड्स आने वाले हैं। अब ये देखो, ये ऐसे छोटे छोटे घर वगैरह आते रहते हैं और खेत वगैरह आते रहते हैं, ये देखो। अब जो भी जहाँ यहाँ पर रहता होगा क्या ही लाइफ होगी उसकी, शानदार शांति वाली, छोटे छोटे घर नेचर में और सब आसपास छोटे मोटे कस्बे तो है ही सामान लाने के लिए, फार्मिंग करते ही हैं खुद की, ये है लाइफ तो मज़ेदार। तो स्कॉटिश हाईलैंड्स के एक छोटे से टाउन में जिसका नाम है फोर्ट विलियम, उसमें आप सभी का स्वागत है। फिलहाल ही मुझे बस ने उतारा है और वही 1 बजे ही पहुँची, ट्रेन के टाइम पर ही पहुँची और सामने रेलवे स्टेशन है तो रेलवे स्टेशन पर ही उतारा है। और इस टाउन में मतलब उतरते ही मुझे बिग बेयर लेक की याद आई, पुराने दिन याद आए USA में, वो भी ऐसा ही टाउन था जहाँ पर मैं 1 महीने रहा था। पहाड़ और ऐसे सुपर मार्केट्स थे यहाँ पे, मॉरिसन से वहाँ पर मार्टिन्स था जहाँ पर हम जाते थे सामान लेने, तो वो पल याद आए। फिलहाल तो मैं जाऊँगा अंदर मॉरिसन्स में, कुछ खाने का लूँगा, यहाँ कॉफ़ी है तो कॉफ़ी पीऊँगा, क्योंकि यार सुबह से मैंने ना तो कॉफ़ी पी है, एक कप कॉफ़ी नहीं मिली यार, जो उठते थे जिन्हें चाय लगती है उन्हें कॉफ़ी नहीं मिल रही है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। और थोड़ा बहुत नूडल्स वगैरह ले लूँगा मैं खाने के और सीधा पहुँचूँगा हॉस्टल, सामान वामान पटकूँगा और फिर मेरे हिसाब से 2 घंटे का उजाला और बचेगा, तो फिर देखूँगा मैं कहाँ जाना है मुझे। तो फिलहाल तो मैं शॉपिंग करता हूँ, पहुँचता हूँ मेरे हॉस्टल। अब मैं गूगल मैप के हिसाब से इस बस स्टॉप पर आया था, यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है बाय बस मेरा हॉस्टल, ये फोर्ट विलियम लेजर सेंटर करके एक बस स्टॉप है। पर वो मैप बता रहा है कि 5 बजे बस, अभी तो 1 ही बज रही है और मैं ऊबर की कोशिश कर रहा हूँ, ऊबर भी नहीं मिल रही है। तो ये लफड़ा आता है यार, UK US ऐसी कंट्री में जाओ ना आप, तो कार नहीं है आपके पास या खुद का ट्रांसपोर्ट नहीं है या पैकेज टूर में नहीं हो आप, तो ये बैक पैकिंग में बहुत दिक्कत आती है। अब मैं क्या पता कैसे पहुँचूँगा, वॉक तो 1 घंटे की है, वो पैदल तो जाऊँगा नहीं इतने बैग लेने के, देखते हैं कुछ जुगाड़ जमाता हूँ, अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो बस के कोई अते पते नहीं, ऊबर भी बुक हो नहीं रही है, बता तो रहा है कि ऊबर सर्विस है पर आ ही नहीं रही है, है ही नहीं मतलब कोई, पैदल ही वॉक कर रहा हूँ फिलहाल। तो जहाँ तक पहुँचते हैं 1 घंटे का सफ़र बता रहा है, करीबन 4 किलोमीटर है यहाँ से और 10 मिनट है बाय कार, तो आगे 2 रास्ते कटेंगे, मुझे दूसरे वाले पे जाना है और वहाँ से कोशिश करूँगा अगर कोई लिफ्ट मिल जाए हिच कर लूँ मैं, पर यहाँ पे बहुत मुश्किल है हिच करना क्योंकि गाड़ियाँ बहुत तेज़ चलती हैं और रुकने की जगह ही नहीं है। आप देखो ये रोड है, अब कहाँ रुकेगी यहाँ पे गाड़ी, तो थोड़ा आगे वॉक करते हैं, देखते हैं कुछ तो रास्ता निकलेगा ही सही। तो 15 मिनट वॉक करके वाले रोड पर आ गया हूँ जो सीधा हॉस्टल जाएगा मेरे, हाँ। और ये यहाँ पर ये देखो आप, कितनी सुंदर नहर बह रही है देख सकते हो आप। अब ये रोड पे ट्रैफिक नहीं है तो कोई भी गाड़ी आएगी तो उसको हाथ दूंगा, पर अब हिच करना ही ओनली ऑप्शन बचा हुआ है, देखते हैं मिलती भी है कि नहीं, क्योंकि हर कंट्री के लोगों की अलग सोच होती है, कोई रुकता है कोई नहीं रुकता है, देखते नहीं। तो वॉक तो कर ही रहा हूँ अब मैं, और कोई ऑप्शन नहीं है। ये फ़ायदा अगर आपको हिच करना आता है ना, डरते नहीं हो अगर आप हिचहाइकिंग से, तो फिर जब आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं बचे और आप मेरे जैसे बैकपैकिंग कर रहे हो तो ये ऑप्शन तो बचते ही है, करेंगे चलो अब देखते हैं क्या होता है। कोई रुक ही नहीं रहा है, वैसे ही फैमिली वाली गाड़ी आ रही थी, थोड़ी कुछ छोटी मोटी लोकल गाड़ी दिखेगी ना वो रुकेगी, ये नहीं रुकेंगे, और ये मर्सिडीज ऑडी वाले तो बिल्कुल नहीं रुकेंगे, जो छोटी सस्ती गाड़ी रहेगी ना वो ही रुकेगी, देखना रुकी भी तो। चल रहा हूँ फिलहाल, तो आज तो बैंड बजने वाली है, कल भी कुछ हाइकिंग वाइकिंग का प्रोग्राम है, तो फिर 2 दिन आज ही मेरी हालत टाइट हो जाएगी चलते चलते इतना। देखो यार कुछ भी नहीं है, बस ये नहर नाला बह रहा है, यहाँ पर वॉकवे भी नहीं है, उस साइड है वॉकवे भी, पर मैं इस साइड वॉक कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लिफ्ट मांगनी है और उस साइड से रोक नहीं पाऊंगा क्योंकि लेफ्ट हैंड ड्राइव है यहाँ पर भी, और ये घर वर और गेस्ट हाउस बने हुए हैं और कुछ भी नहीं है यहाँ पर, एक दुकान है और आगे जंगल चालू हो रहा है। तो उस साइड वॉक करने का ही नहीं था, तब इस साइड वॉक करनी पड़ रही है मुझे, यहाँ पर थोड़ा रुक के देखूंगा कोई गाड़ी रुकती है तो। अब इन वेस्टर्न कंट्रीज में थोड़ा अलग माइंडसेट रहता है लोगों का, मतलब मैं इंडिया में ऐसे वॉक कर रहा होता ना तो अभी तक 10 लोग रुक जाते और भैया क्या क्या चाहिए आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है, या और कोई दूसरी कंट्री में होता तो भी रुकते लोग,
यहाँ नहीं रुकेगा कोई आगे से, और मेरे हिसाब से लिफ्ट लेने में भी मेरे को बहुत तकलीफ होने वाली है। और हॉस्टल वाला भी फ़ोन उठा नहीं रहा है। अच्छा खासा एडवेंचर हो गया आते ही। सोचा था जल्दी पहुँचूँगा, आपको थोड़ा बहुत दिखाऊँगा आसपास का, पर आज का दिन भी गया। अबे यहाँ पर थोड़ी जगह दिख रही है, अब यहाँ से गाड़ी आएगी तो यहाँ रुक भी सकती है। एक बार कोशिश करूँगा, रोकता हूँ 5 मिनट कोशिश करके। तो यहीं पर खड़ा हूँ, बैग वगैरह मैंने रख दी यहाँ पर, और एक गाड़ी आ रही है, देखते हैं रुकती है कि नहीं। देखा भी नहीं, सीधे चले गया। एक बहुत अच्छी किस्मत की बात है, बस एक ही आज अच्छी चीज़ हो रही है मेरे साथ कि बारिश नहीं, वरना बाप रे बाप मेरे तो एल लग जाते। वॉक तो अच्छी होने वाली है पर कंधों पर बोझ ज़रूर ज़्यादा रहेगा। नदी को फॉलो करते करते पहुंच जाऊंगा 1 घंटे में, 5 मिनट और देखता हूं, कोई रुका तो रुका वरना निकल लूँगा। नहीं रुकेंगे मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से वो एक्सप्रेशन दिखा रहे नहीं रुकेंगे यहाँ पे, कल्चर भी नहीं है। और चलते हैं, वॉकिंग ही आखिरी सॉल्यूशन बचा था, वॉक करना चालू करता हूँ बस। अब तो वॉक करना ही आखिरी ऑप्शन बचा है, 40 मिनट की और वॉक है ऐसे ही रास्तों से, बस चढ़ाई नहीं आनी चाहिए। और मैं देखना चाहता हूँ कि अब कौन ऊपर वाले का फरिश्ता की मदद करेगा या नहीं भी करेगा, क्योंकि जनरली सोलो ट्रैवल में आप दुनिया भरोसे ही घूमते हो, कोई ना कोई तो आएगा। आप देखो, मुझे लग तो रहा है अंदर से कोई तो आएगा मदद करने। ऐसे ऐसे जंगल है यहाँ पर, इस साइड रोड है और बीच में से वॉक कर रहा हूँ मैं। गाड़ी आ तो रही है पर कोई रुक नहीं रही है। चलते हैं, बहुत अच्छी दिख रही है, देखो बूंदे जो पड़ी हुई है इस पर, ये बहुत अच्छी दिख रही है। जम तो नहीं गई? नहीं। ओह, जगह तो बहुत खूबसूरत है, कल इसे एक्सप्लोर करना है। वही एकदम पहाड़ों वाला फील आ रहा है, ठंडा ठंडा मौसम, हवा चल रही है अच्छी, आवाज़ आ रही है नेचर की। बस पहुंच जाऊं यार हॉस्टल, वरना मज़ा ख़राब हो जाएगा। और बस भी नहीं है साली, तो अब और कुछ ऑप्शन नहीं बचा है, बस सफ़र के मज़े लेते लेते आगे बढ़ना है। कुछ कोई को कोस नहीं सकता, मैं ही आया हूँ यहाँ पर तो अब इन्जॉय कर लेता हूँ। क्या मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को गाली बक के या टैक्सी को गाली बक के या लोगों को गाली बक के कोई मतलब नहीं है। मैं आया हूँ, मुझे ही पहुँचना है मेरी मंजिल तक, तो बढ़ता हूँ सफ़र के मज़े लेते हुए आगे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखा अभी, थोड़ा 5 मिनट आया वॉक करके आगे। बर्फ़ दिख रही है यार सामने, देखो देखी बहुत बर्फ़ है ऊपर पहाड़ों पर तो। पर ये कैंपर वैन वगैरह बहुत दिख रही है, और ये यहाँ पर कुछ ना कुछ है यहाँ पर, कैंपर वैन की पार्किंग वगैरह। और यहाँ तो नहर बह रही है और ऊपर मेरे को दिख रही है लपक के बर्फ। जिस जगह पर मैं अभी हूँ इसे फोर्ट विलियम कहते हैं, ये फेमस है बेन नेविस करके एक माउंटेन है, वो पूरे यूके का सबसे ऊंचा माउंटेन है, मतलब शायद 1600 मीटर पर है कुछ, 4-5 हज़ार फीट पर, ज़्यादा ऊंचा नहीं। यहाँ पर इतने ऊंचे पहाड़ नहीं अपने जैसे, पर उसको क्लाइम करते हैं, तो मैं भी उसे ही क्लाइम करने आया था। अभी हॉस्टल में जाके पता करूँगा कि क्लाइम कर भी सकते हैं कि नहीं। अभी कल मौसम ख़राब बता रहा है क्योंकि, और कल और हूँ मैं, नहीं हुआ तो यहीं पर मैं एक्सप्लोर करूँगा कुछ ना कुछ, ट्रेल वगैरह हाइक कर लूँगा छोटा मोटा। और मौसम तो वैसे कल बर्फ़ का बता रहा है, कल दोपहर में बर्फ़ बता रहा है वो, पर वो बदल भी जाता है, हो सकता है रात को भी हो जाए, हो सकता हो ही ना बारिश ही बारिश से कल का भी दिन चले जाए। तो यदि आप स्कॉटलैंड आ रहे हो ना घूमने, तो मेरी पर्सनल सजेशन यही रहेगी कि आप आओ गर्मी में, समर्स में यहाँ की। उसके बहुत सारे कारण हैं, एक सबसे बड़ा कारण तो ये है कि अभी बारिश खूब हो रही है, उससे भी बड़ा कारण ये है यहाँ पे उजाला ही नहीं है, सुबह 8:30 बजे से 3:30 बजे तक उजाला रहता है 7 घंटे तक, तो आप एक्सप्लोर क्या करोगे। समर में आना, रात की 10 बजे तक उजाला मिलेगा आपको। तो ये मेरी सजेशन थी, मानना है तो मानो वरना आ जाओ। थैंक यू। कहाँ से आ रहे? मैं लंदन में पढ़ता हूँ। हाँ। नहीं मैं आज आया एडिनबर्ग से, और मुझे कुछ वही नहीं मिल रहा ट्रांसपोर्ट हॉस्टल जाने का। तो कैसे आ रहा तू? मैं बस से आया ग्लासगो तक। नहीं नहीं, अब से 2 दिन यहाँ पे हूँ, फिर मैं वहाँ जाऊँगा हाइलोस्काई।
हेलो स्काई। अच्छा अच्छा अच्छा, तू वहाँ पे जा रहा है रहने के लिए? हाँ, दो दिन के बाद। दो दिन यहाँ, कल और परसों वहाँ जाऊँगा, फिर एक दिन इनवर्नेस, फिर लंदन वापस। मैं तो यही पर रुका हूँ 7 दिन। अच्छा, नहीं यही से जाऊँगा। आप कहाँ के हो, कहाँ रहते हो आप? बर्मिंघम। अच्छा, बर्मिंघम रहते हो। ऐसे रोड ट्रिप कर रहे हो? नहीं, या काम है यहाँ पे? हॉलीडे से, अभी तो हॉलीडे है। अच्छा, तो इसलिए आया। अच्छा, घूमने ही आए हो यहाँ पे? हाँ। अच्छा अच्छा, और यूँ कहाँ से हो? हैदराबाद। हैदराबाद से हो, तो मुझे अभी हैदराबाद के भैया मिल गए और उन्होंने मुझे लिफ्ट दे दी ऊपर वाले के फरिश्ते के रूप में। मैं आधे घंटे से वॉक कर रहा हूँ कि कोई तो आएगा, कोई तो आएगा। कोई रुके ही नहीं ब्रिटिश तो। फिर आधा घंटा और बचा था वॉक का, तो मैंने सोचा वॉक ही कर लेते हैं। अब क्या है ऐसे यहाँ पे घूमने का? बेनिविस। अभी क्लाइम कर सकते हैं इसको? आप सुबह सुबह करना। सुबह सुबह ज़्यादा डिफिकल्ट है क्या? मेरे को 8 घंटे लगा। 8 घंटा चढ़ना होता ना। हाँ, चलो देखते हैं। तो अपने हैदराबाद के भैया ने लिफ्ट दे दी मुझे और वो बर्मिंघम में जॉब कर रहे हैं, तो कार से आए थे उनकी वो। और ये जो पीछे जो पहाड़ दिख रहा है आपको, ये है बेन नेविस, यूके का सबसे हाईएस्ट माउंटेन। देखते हैं, अब पता करते हैं कल क्लाइम कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि मौसम ख़राब है। जो भी जैसा भी, फ़िलहाल तो चेक इन करता हूँ और मिलता हूँ आपसे। कुछ खाया भी नहीं है सुबह से। तो ये पीछे मेरा हॉस्टल है, ग्लेन नेविस यूथ हॉस्टल। इसके अराउंड में दे रहा हूँ 28 पाउंड, 28 से 30 पाउंड टैक्स वैक्स जोड़ के एक बेड के। अभी चेक इन हुआ नहीं है, 3 बजे टाइम था और उनका कुछ सर्वर डाउन था, तो मैंने भी ठीक है कि उजाला अभी मैं ड्रोन वगैरह उड़ाया। कैसे लगे ड्रोन शॉट्स कमेंट में बता ही देना। तो कल कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग करने वाला हूं मैं, तो आज की वीडियो तो मैं यहीं ख़त्म करता हूं। इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो फॉर व्हाटएवर रीज़न, हिट द लाइक बटन। वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर दो। और इस वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं अपन 200 लाइक्स, जल्दी से कर देना। और शेयर करो ये घुमक्कड़ लोगों के साथ, अपने घुमक्कड़ दोस्तों के साथ ये वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो स्कॉटलैंड देखना चाहते हैं और ऐसे खूबसूरत नज़ारे देखना चाहते हैं। और हमेशा की तरह सब्सक्राइब करो ट्रैवल विद अनुज को, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो फिर होगी नई जगह, नया रोमांच और नया सफ़र। तब तक के लिए अलविदा। 10,000 करा दो जल्दी सब्सक्राइबर।